बिटकॉइन का प्राइस बाइनेंस एक्सचेंज में BTC BUSDT के पेयर में ऑलमोस्ट 24,500 तक ड्रॉप हो गया था BTC BUSDT के पेयर में। इसके अलावा जो बिटकॉइन का प्राइस अगर USDT में बात करें तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे $26,000 के समथिंग जो अभी ड्रॉप है वो ऑलरेडी हो चुका है। मार्केट में इतना बड़ा जो क्रैश है इसके पीछे कारण क्या है? इसके अलावा सबसे बड़ा जो टॉपिक बना हुआ है इस समय लूना का, टेरा लूना। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो लूना है वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है? किसी टाइम पे जो लूना कॉइन है उसका जो प्राइस है सिंपली वो लगभग आप मान सकते हैं कि $116 या $117 के समथिंग ट्रेड होता था, और आज ऐसा क्या हो गया कि 0.014 के समथिंग जो लूना है उसका सिंपली जो यहाँ पे प्राइस है वो आ गया। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या किसी यहाँ पे व्यक्ति का हाथ है? यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका यहाँ पे कारण है उसकी वजह से यहाँ पे जो लूना है उसकी ये हालत हुई है? उसके अलावा यहाँ पे जो USD है यानी कि जो टेरा USD है आखिर वो एक स्टेबल कॉइन कैसे $1 से $0.37 पे आ गया, इसका भी रीजन क्या है डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। सो यहाँ पे मार्केट के रूमर्स के अनुसार माने सो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है सीता डील, एक हेज फंडिंग कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा मार्केट में एक बड़ा मैनुपुलेशन लाया जाता है, या आप बोल सकते हो कि मैनुपुलेट किया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि जो लूप होल है उनका यहाँ पे इस कंपनी के माध्यम से बेनिफिट उठाया जाता है। सो यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 40,000 से $42,000 के समथिंग जब चल रहा था उस समय लगभग इन्होंने 100K जो BTC है वो बोरो किए, 100K BTC, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि इनकी जो वर्थ होगी वो ऑलमोस्ट $4 बिलियन के समथिंग होगी जो इन्होंने यहाँ पे बोरो किए हैं 100K BTC। इस फंड में से यानी कि ये जो टोटल फंड है इस फंड में से ये क्या करते हैं $3 बिलियन की एक जो शॉर्ट पोजीशन है वो यहाँ पे ओपन कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो BTC $3 बिलियन ऑफ वर्थ यहाँ पे शॉर्ट किया जाता है एंड जो 1 बिलियन इनके पास जो फंड बचता है उसका यहाँ पे ये टोटल अमाउंट का जो टेरा USD है यानी कि शॉर्ट फॉर्म बोले USD उसको ये लोग बाय कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो टेरा लूना फाउंडेशन है वो जो USD है उसको यहाँ पे बैक करने के लिए आप बोल सकते हो कि प्राइस अगर उसका ड्रॉप हो जाता है तो वापस से मेंटेन करने के लिए मार्केट से बिटकॉइन बाय कर रहे थे। तो मार्केट से उन्होंने अच्छे खासे बिटकॉइन बाय किए, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 3.5 या $4 बिलियन वर्थ ऑफ उन्होंने जो बिटकॉइन है वो अपने पास रखे हुए थे ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे USD का प्राइस ड्रॉप हो जाए। सो अपना जो रिजर्व फंड है यानी कि जो उन्होंने एक ऐसा एलोकेशन रख रखा है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है USD के साथ प्राइस ड्रॉप होता है सो इसमें से अपन बेचेंगे और वापस से अपन उसको $1 के बराबर पहुंचा देंगे। टेरा लूना फाउंडेशन के पास BTC थे, सो इनके पास सिंपली जो बिटकॉइन थे वो इनके वॉलेट से मूव होना स्टार्ट हो गए, यानी कि इनका जो वॉलेट था उससे जो इनका पूरा जो अमाउंट है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। सो उससे मार्केट में पैनिक क्रिएट होने लगा कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है। आप लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन पे कुछ चीजें छुपती नहीं है, कागज तो है नहीं कि फाड़ के फेंक दिया कहानी खत्म। सो यहाँ पे लोगों को पता चलने लगा कि भाई क्या खिचड़ी पक रही है, और लोगों को जैसे ही पता लगने लगा जैसे कि अभी हम आगे बात करेंगे, वापस से आते अपने टॉपिक पे, सो सीता डील कंपनी ने ऑलरेडी अपनी बड़ी पोजीशन यहाँ पे ओपन कर रखी थी एंड वो शॉर्ट ओपन और करते गए एंड एक समय ऐसा आया कि ऑलमोस्ट जो BTC का प्राइस है वो लगभग $30,000 से $32,000 के बीच में यहाँ पे आ गया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इनके पास जो USD रखा हुआ था जो $1 बिलियन वर्थ ऑफ जो इनके बैग में था उसको मार्केट में इन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आप बोल सकते हो कि मार्केट में इन्होंने इतना बड़ा जो पैनिक है वो क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे जो USD है इसका जो प्राइस है मतलब एक जो स्टेबल कॉइन है उसका अगर आप प्राइस देखेंगे सो 0.22 आप सोच सकते हैं कि $1 जो स्टेबल कॉइन है मतलब उसमें आप ट्रेड करके उतना तगड़ा पैसा नहीं कमा सकते, बस वो 1-2 रुपए गिर सकता है बढ़ सकता है बस इतना। हाँ इंडियन एक्सचेंज की बात अलग है कि इंडिया में कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज आए तो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए तक बढ़ जाए गिर जाए, बट इतना नहीं कि मतलब हद से ही ज्यादा कुछ हो जाए। मतलब आप ये मानो कि $1 से $0.22 सिंपली ड्रॉप हो जाना और अभी भी 0.36 के समथिंग इसका प्राइस चल रहा है जो कि एक स्टेबल कॉइन है। अब यहाँ पे पूरा गेम स्टार्ट हो जाता है। इनका जो स्टेबल कॉइन था USD उसका प्राइस कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा था, अब इनको वापस से उसको यानी कि आप मान लो कि इनको वापस से जो $1 है वो करना है, तो इनको अपना जो रिजर्व फंड
फंड था, यानी कि इनके पास जो रिजर्व बीटीसी थे उनको इनको मार्केट में सेल करना था, अपने स्टेबल कॉइन है उसको वापस से $1 करना है। तो इनको मार्केट में अपने बिटकॉइन सेल करने हैं। ऑफ कोर्स अब जब इतनी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन सेल होंगे सो डेफिनेटली मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा, एंड वो ही हुआ क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स है वो भी बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे। यूजर्स भी अपना जो लूना है वो सेल कर रहे थे, यूएसटी सेल कर रहे थे। अब सिंपली आप इसको प्री प्लानिंग बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो लूप होल है उसका फायदा उठाया गया, या फिर आप बोल सकते हो कि मार्केट को मिसलीड किया गया जान पूछ के, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोई बंदा आया और एक अच्छा खासा गेम खेल के पैसे कमा गया। आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर अभी बात करें यहाँ पे लूना की बाय करने की या फिर जो यूएसटी है उसकी बाय करने की, को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा जो कि इस प्राइस पे कि आप इसको खरीदे, क्योंकि इसका जो टोटल सप्लाई है वो भी डबल से ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रहा है और पता नहीं अभी तक क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे अच्छे खासे स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं लूना के सीईओ की तरफ से। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप ऐसा सोचे कि भाई मेरे पास 1000 रुपए पड़ा है और वो जीरो हो जाए, मतलब ऐसा पैसा है कि यार मैं स्टारबक्स में कॉफी पी जाता हूं, और आपके लिए वो भले ही वो 10,000 हो, यार 1,00,000 हो आपके लिए अगर वो ऐसा पैसा है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस प्राइस भी तो बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है कि आपको ये 10-20 पैसे देखने के लिए मिले, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 10-20 पैसे जाएगा तो आपको शॉक होना चाहिए। हो सकता है मैं जब तक ये वीडियो पब्लिश करूं तब तक हो भी जाए, यू नेवर नो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आपका पैसा है, आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, बट वो ही पैसा इन्वेस्ट करना जो जलाने के लिए रेडी हो। यहाँ पे जो इतना बड़े मार्केट में डंप हुआ है इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो वॉर है उसकी सिचुएशन आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई और वो कभी भी कितनी भी बड़ी हो सकती है नहीं पता। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो हम सभी के सामने है कि जो टेरा लूना है या फिर आप बोल सकते हो कि जो यूएसटी है उसके साथ जो हुआ है उसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो रीजन है वो आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या रीजन है मार्केट डंप होने का, इसके अलावा लूना का। तो मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अस्ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।